हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर रेगुलर हाइब्रिड क्लास। नाउ स्टार्ट्स, वी आर रीडिंग अबाउट सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं पांडा डाटा स्ट्रक्चर और उसके टू टाइप्स होते हैं, सीरीज और एक तो सीरीज होते हैं, एक होता है डाटा फ्रेम, डाटा स्ट्रक्चर। अभी हम सीरीज डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अपनी जो सीबीएसई की बुक थी उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज डाटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग आप एक बार और देखिए, हमने पढ़े लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीरीज और डिवीजन ऑफ टू सीरीज। मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े थे हमने सीरीज में, वो कंप्लीट। उसके बाद में डाटा फ्रेम स्टार्ट हुआ था। मैंने कल आपको कहा था डाटा फ्रेम पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस सीरीज के ऊपर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं कुछ, उनको हम देख लेते हैं। इसमें हम कौन कौन से देखेंगे, एक तो देखेंगे हम सॉर्टिंग। सीरीज की सॉर्टिंग कैसे करते हैं, एक सीरीज जो होती है उसको कैसे सॉर्ट किया जाता है। एक देखेंगे हम ग्रेटर देन और लेस देन जो ऑपरेटर हैं उनका यूज हम सीरीज में करके देखेंगे। मतलब सीरीज के अंदर किसी भी वैल्यू को हम लेना है, ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करके हम वैल्यू एक्सेस करेंगे। जैसे अपने पास में 30, 35, 25, 60 ऐसी वैल्यूज हैं, ये इसके इंडेक्सेज हैं ए बी सी डी इंडेक्सेज हैं। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि 35 से जो अबोव है, अबोव 35 से जो अबोव वैल्यूज हैं वो वैल्यूज अपने को इसमें से लेनी है, पूरी वैल्यूज नहीं लेनी। तो उसको हम कैसे ले सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं उनका यूज करेंगे। और एक चीज़ और हम देखेंगे, यदि सीरीज का जो ऑब्जेक्ट है, इस सीरीज के ऑब्जेक्ट के साथ यदि हम प्लस मतलब डायरेक्ट के अंदर मल्टीप्लीकेशन टू सीरीज ऑब्जेक्ट नहीं लेकर के एक ही सीरीज के ऊपर यदि हम ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उन चीज़ों को अब हम देखने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तैयार रहो। चलो ब्लैक पेंसिल ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक सीरीज है अपने पास में, उस सीरीज के ऊपर यदि हम ग्रेटर देन लेस देन फंक्शंस अप्लाई करते हैं और देखते हैं। अपने पास सीरीज, हम एक सीरीज कंप्लीट क्रिएट कर लेते हैं और सीरीज का नाम लिख रख देते हैं हम S13 जुलाई आज, तो उसके अकॉर्डिंग हम S13 ले लेते हैं। और हमने एक सीरीज क्रिएट कर ली। सीरीज क्या है अपने पास, PD.Series करके इसके अंदर वैल्यूज ले रहे हैं हम। और अपने पास वैल्यूज हैं 10, 15, 7, 9, 20 और 25। ये वैल्यूज हम ले लेते हैं, 6 वैल्यूज हैं अपने पास। इन वैल्यूज को लेकर के हम एक सीरीज क्रिएट कर लिए हैं। इंडेक्स नंबर बाई डिफॉल्ट 01234 रख लेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा अपने पास में, S13 करके हम जैसे ही प्रिंट करवाएंगे और तो अपने पास में आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं हम। अब देखते हैं हम कैसे आउटपुट क्या आता है, 01234 3, 4, 5 इसमें क्या है, थोड़ा बड़े अक्षर लिखते हैं, जैसे इन्हीं बातें छोटे लिखते हैं वो इधर उधर
यूज कर देता है। और वैल्यूज क्या है अपने पास में, 10, 15, 7, 9, 20 और 25, ये अपने पास में वैल्यू ही है। तो ये अपने पास आउटपुट आता है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं फंक्शंस, तो कैसे, जैसे एस 13 है, सब अपने पास सीरीज क्या है, एस 13, सीरीज का ऑब्जेक्ट है एस 13, एस 13 के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर हम इस एस 13 के ऊपर डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का, ग्रेटर देन और लेस देन का यदि डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो तब क्या होगा, जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ एस 13 इज मोर देन, मैं कर देता हूँ इसके ऊपर 10, मैंने अप्लाई कर दिया एस 13 इज मोर देन 10, यदि मैं ये करता हूँ तो आउटपुट क्या आता है, तब अपने पास में आउटपुट आएगा। देखो ये ध्यान रखने वाली चीजें ये समझ लें हम पहले, यदि हम डायरेक्टली सीरीज के ऊपर ग्रेटर देन का यूज करते हैं तब ये वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर पाता, ये क्या करता है, इसका मतलब हो गया कि एस 13 इससे 10 से ग्रेटर है या नहीं है इसी चीज को वो चेक करेगा, ग्रेटर देन 10 ये चेक करेगा। और इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, वो यहां से आएगा 0 इज मोर देन 10, नो इक्वल टू का मीन नहीं किया, मोर देन का यूज कर, तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले इसका आएगा आउटपुट फॉल्स। यदि 1 10 से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है यस, तो आएगा ट्रू। यदि 2 7 ग्रेटर है या नहीं, नहीं तो क्या आएगा फॉल्स। फिर देखो 9 फॉल्स, 20 ट्रू, 20 10 से ग्रेटर है ट्रू, और 25 10 से ग्रेटर है, तो यहां भी क्या जाएगा ट्रू। इसका मतलब आपके समझ में आया कि यदि हम सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट ग्रेटर देन या लेस देन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो केवल चेक करता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो बूलियन में होता है। इसका आउटपुट क्या होगा, बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में होगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा फॉल्स आएगा। इसके लिए मैं आपको एक अभी अपने कंप्यूटर पे ही बना करके बताता हूँ, अपने जो पिछले साल का मॉडल पेपर था लास्ट ईयर का, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। चलो अभी अप्लाई करके देखते हैं, इंपोर्ट अब अपने पास जो सीरीज दी हुई है उस सीरीज के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सीरीज दी हुई है इसके अंदर एस, एस के बाद में है अंडरस्कोर ए एम टी, ये कोई सीरीज है, और उसके जो वैल्यूज हैं वो क्या है, एडी डॉट सीरीज, एडी डॉट सीरीज, और ये है वैल्यूज इसके अंदर 350, 200, 800 और 150 और 150, और इंडेक्स नंबर दिया हुआ है इसके अंदर, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है इंडेक्स इक्वल करते हैं टेबल चेयर सोफा और स्टूल, तो ये दिया हुआ है टेबल चेयर, टेबल चेयर सोफा, टेबल चेयर सोफा, एस ओ एफ ए टेबल चेयर सोफा
वो क्या दिया हुआ है स्टूल, इसके बाद दिया हुआ है स्टूल टेबल चेयर सोफा स्टूल दिया हुआ है। ये अपनी सीरीज हमने क्रिएट कर दी है जो उसमें दी हुई है। अब सीरीज को प्रिंट करवाते हैं, फेस और अंडरस्कोर AMT अपना आउटपुट देख सकते हो आप। आउटपुट क्या आ रहा है, टेबल 350, चेयर 200, सोफा 800, स्टूल 158। अब अपने को इसके ऊपर ग्रेटर देन और लेस देन वाली कंडीशन है अप्लाई करके देखनी है। सीरीज क्या है अपनी, एस अंडरस्कोर AMT ये अपनी सीरीज है। हम डायरेक्ट वाले इसके ऊपर ग्रेटर देन का सिंबल यूज करके देखते हैं और हम चेक करते हैं 300 से मिडिल वैल्यू लेते हैं ताकि पता चल जाए अपने को कंडीशन कैसे हो रही है। अब देखो आप देख सकते हो, मैंने भी बताया था आपको ये क्या करेगा, बूलियन वैल्यू आपके सामने देगा और हर वैल्यू को चेक कर लेगा। आप देख सकते हो सीरीज के ऊपर हमने सीरीज SAMT इज मोर देन 300, तब आउटपुट क्या आ रहा है, टेबल क्या आ रहा है, ट्रू। इट मींस क्या है कि 300 से मोर देन है या नहीं है, यदि है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। इस कंडीशन को चेक किया है इसने, SAMT इज मोर देन 300। सबसे पहले पहली को चेक करेगा, टेबल की वैल्यू क्या है 350, ये 300 से मोर देन है या नहीं है, है तो क्या आएगा ट्रू। फिर उसके बाद चेयर पे जाएगा, चेयर पे जाकर किसने चेक किया 200 जो है वो 300 से ग्रेटर है लेस है, ग्रेटर है या लेस है, लेस है तो फॉल्स, ग्रेटर है तो ट्रू, तो लेस है तो क्या आएगा आउटपुट फॉल्स। फिर ये थर्ड पे जाएगा सोफा वाली पे, ये 300 से ग्रेटर है इट मींस ट्रू। और फिर लास्ट की वैल्यू 150 300 से लेस है तो क्या आएगा फॉल्स। ये चीज याद तक आपको समझ में आ गई। अब इसी चीज को अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए इनमें से कुछ स्पेशल वैल्यू, उस वैल्यू को अपने को आउटपुट के रूप में लेना है। पहले तो अभी जो हमने कंडीशन लगाई हम इसके आधार पे वैल्यू नहीं ले सकते, हमें चाहिए जैसे 500 से अबो की जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज अपने को प्रिंट करवाना। अब यहाँ 500 से अबो की वैल्यूज या 300 से मान लो यहाँ 300 है इससे वो की वैल्यूज अपने को प्रिंट करवानी है तो क्या है 350 और 800, तो अपना रिजल्ट क्या चाहिए 350 और 800। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पहले कंडीशन लगाई उसके अकॉर्डिंग तो क्या कर रहा है, बूलियन वैल्यू दे रहा है ट्रू या फॉल्स। तो कैसे कर सकते हैं ये हम, तो इसको करने के लिए अपने को क्या करना होगा, सीधा सा है कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। हम करते हैं इसी को जो ऊपर दिया हुआ है ये जो कंडीशन दी हुई कंट्रोल सी करके इसको देखो एक बार, कंट्रोल ये कर देता हूँ मैं। अब आप यहाँ ये तो देख सकते हो, अब इसमें अपने को थोड़ा सा क्या अप्लाई करना है, यहाँ करना है इस चीज़ को, क्योंकि इसके अंदर जो आएगी ना वो वैल्यू होगी मल्टीपल वैल्यू, इसमें जो वैल्यू आएगी मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। तो इसको अगर अपने को केवल चेक करना है ट्रू फॉल्स करना है तो अपने को डायरेक्ट चीज के ऊपर ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना है, और अगर अपने को वैल्यू प्रिंट करवानी है तो अपने को क्या करना है इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, क्या करना है इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों ले रहे हैं हम, अभी मैं आपको समझाता हूँ। AMT अब अगर हम आउटपुट लेते हैं तो आप देखोगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है 350 और 800 आ रहा है। अब ये चीज क्यों हुई, क्या कारण है कि ये हमने यहाँ देखा, यहाँ जो आप देख रहे हो उसको देखो, यहाँ आ रहा है एस, अरे इसको लेना इधर से, तो ये SAMT हमने यहाँ SAMT और 300 किया है, याद क्या कर रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट इस सीरीज के ऊपर लगा दिया, इसको अप्लाई कर दिया तो ये इसको चेक करेगा पूरी सीरीज के ऊपर, केस का मतलब सीरीज के सभी वैल्यूज को चेक करेगा। हमने यहाँ पूरी सीरीज के ऊपर लगाया कि पूरी की पूरी जो सीरीज है SAMT का मतलब केवल एक वैल्यू थोड़ी है, इसका मतलब ये पूरी है, यही तो एक सीरीज है,
इसमें इंडेक्स भी आ गए, वैल्यूज भी आ गए, पूरी एक सीरीज है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, ऐसे एम टी से। तो ये क्या करेगा, पूरी सीरीज को चेक करेगा, और पूरी सीरीज को चेक करके इसके आधार पर बुलियन वैल्यू देगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे एम टी, यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके उसके आधार पर वैल्यू प्रिंट करें। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जब हम वैल्यू एक्सेस करते हैं सीरीज से, कोई भी वैल्यू एक्सेस कर करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज लेते हैं, उसके बाद किसका यूज करते हैं, वैल्यू ऐसे करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, और उसके अंदर हम क्या लेते हैं, इंडेक्स नंबर लेते हैं, इंडेक्स नंबर लेते थे तो किसी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरह याद होगी, ये चीज आपको अच्छी तरह याद होगी। तो हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और फिर इंडेक्स नंबर, यदि आप कोई भी स्लाइसिंग कर रहे हो तब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करोगे, स्लाइसिंग नहीं कर रहे हो, इंडेक्सिंग कर रहे हो तब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करोगे। तो ऐसे ही कंडीशन देने के लिए भी, क्योंकि अपने को वैल्यू प्रिंट करवानी है, पहले उस वैल्यू के ऊपर अपने को जाना होगा, तो इसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का, यही फॉर्मूला रहेगा, इसके अंदर अपने को क्या करना है। अब हम अपने को वैल्यू कहाँ चेक करनी है, जैसे अब इसमें, क्योंकि अपने को पर्टिकुलर जैसे 300 से अबो वैल्यू लेनी है, तो पहले सभी के ऊपर जाएगा, जरूरी है सब में जाएगा, तभी तो उसको पता चलेगा, इस पर ही जाकर रहेगा, तो इसी को चेक करके रहेगा, इनको चेक नहीं किया तो फिर अपना सही रिजल्ट नहीं है। तो ये सब पे जाएगा, इसका मतलब पूरी सीरीज का अपने को देना जरूरी है, तो पूरी सीरीज का अपने पास है, सीरीज है, मान लो सीरीज, तो अब हम इसके ऊपर चेक करेंगे, इस पूरी को चेक करेगा, और 300 है तो 300 हो गया, तो जहाँ हम इंडेक्स का यूज कर रहे थे वहाँ उसकी जगह कंडीशन को ले लेंगे, तो उसके उससे क्या होगा, अपनी वैल्यू ले लेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये यदि आपने यहाँ चूक गए तो मिस्टेक हो जाएगी, पूरा का पूरा आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और आपको जो मार्क्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई, क्या करना है अपने को, यदि आपको चेक करना है ट्रू फॉल्स वैल्यू जो चेक करने ग्रेटर देन और लेस देन से, अगर आपको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीरीज के साथ में ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल यूज में ले लेंगे, और यदि अपने को चेक नहीं करना है और अपने को वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो जैसे हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हैं वैसे हम क्या करेंगे, इसके साथ जो इंडेक्सिंग करते हैं वो वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, और इसके अंदर अपने जो भी कंडीशन देती है वो दे दोगे, तो अपने क्या होगा, वैल्यूज आउटपुट के रूप में आ जाएगी, और वो आपको दिखाई दे रही है आउटपुट के रूप में, वैल्यूज आई है। एक बार और देख लेते हैं, अभी हमने ग्रेटर देन का यूज किया, लेस देन का यूज करके देख लेते हैं अपने क्या जा रहा है। अब देखते हैं हम अपनी जो ये सीरीज है इसको यहां लगाते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं लेस देन से। तो ये क्या करेगा, यदि आपकी सीरीज में जो जो वैल्यूज, जिस इंडेक्स की वैल्यू आपके सीरीज में लेस देन 300 है, वहाँ वहाँ पे जाएगा ट्रू, और अगर लेस में क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वहाँ क्या आएगा, फॉल्स। ये देखो, देख सकते हो आप, दिख रहा है, ये अपने देखो फर्स्ट में क्या है 350, ये आप कंडीशन फेल है या फॉल्स आ गया, फिर कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है क्योंकि ये 300 से लेस है, यहाँ ट्रू आ गया, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है 800 पे, तो यहाँ फॉल्स आ गया, और ये लास्ट में 150 पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अपने यहाँ ट्रू आ गया, और डेटा टाइप आप देख सकते हो बूलियन में आ रहा है। ये चीज समझ में आ गया आपके, अच्छी तरह समझ लेना, अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है इसमें से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल करके या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। अभी जो हमने देखा उसको यहाँ पे एक बार और आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में किसी प्रकार का इल्यूस्ट्रेशन नहीं रहना चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए आपको। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल दे करके
कि जैसे अपने पास में कोई सीरीज है एस 13 पहली वाली की तरह, और उस सीरीज की जो इंडेक्स है वो क्या है ए बी सी डी ई, और वैल्यूज क्या है अपने 30, 34 और 12 और 60 और 30 ये अपने पास वैल्यूज हैं। अब हम क्या हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है। तो हम क्या करेंगे सर चेक करने के लिए एस 13 और क्या करते हैं लेस देन का सिंबल का यूज कर लेते हैं, लेस देन और लेस देन करके हम 50 कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा यदि इससे एस 13 लेस है इसका मतलब 50 से लेस जितनी भी रिलीज होगी उसमें क्या आएगा ट्रू और अदरवाइज फॉल्स। यहां कंडीशन चेक करते हैं 30 जो है वो 50 से लेस है या नहीं है, है तो कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू आएगा वैल्यू में, इंडेक्स तो ये क्लियर रह जाएंगे और आउटपुट ट्रू आएगा। सेकंड पे चलते हैं 34 50 से लेस है या नहीं है, है इसका मतलब क्या आ जाएगा यहां भी ट्रू आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और हम चलते हैं 12 पे चेक करते हैं 50 से लेस है, लेस है तो क्या आएगा ट्रू आएगा। फिर हम चलते हैं 60 पे 60 50 से लेस है नहीं है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स तो क्या आएगा आउटपुट फॉल्स आएगा। फिर चलते हैं 13 पे 13 50 से लेस है या नहीं है, है ट्रू कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास में ट्रू आएगा। ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के अंदर से हम वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं, वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है अभी हम देखते हैं। इसी पे इसी कंडीशन पे अपने को क्या करना है वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे क्योंकि इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग करते हैं वैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और उस वहाँ पे जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी वहाँ पे कंडीशन हम ऐसे कर देते हैं। चलो ये कंडीशन हमने चेंज कर दी और एस क्या हो गया एस 13 एस 13 के बाद हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे करते हैं एक्सेस स्लाइसिंग। अब इसके अंदर हम कंडीशन दे देंगे कहाँ से लेनी है अपने वैल्यू एस 13 को चेक करना है, एस 13 के अकॉर्डिंग लेनी है और लेस देन किया था ना हमने तो लेस देन कर देते हैं। चलो ये हो गया अभी अपना लेस देन, ये लेस देन और 50 हम बस कितना सा डिफरेंस है ये आपको माइंड में रखनी है। जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं या इंडेक्सिंग करते हैं तो हम सीरीज के ऑब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और किसी वैल्यू का मॉडिफिकेशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो वही यहाँ पे याद रखना है। तो कंडीशन में भी अपने को क्या करना है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज ही करना है, ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। अब अपने हम चेक करते हैं वापस 30 इज लेस देन 50 ट्रू तो क्या आ जाएगा 30 की वैल्यू वो प्रिंट करवा देगा। फिर 34 इज लेस देन 50 यस देन इट विल प्रिंट द 50 वैल्यू। नेक्स्ट 12 इज लेस देन 50 यस कंडीशन इज ट्रू एंड इट विल प्रिंट यहां पे वैल्यू आएगी 34। नेक्स्ट सी पे चलते हैं 12 इज लेस देन 50 देन व्हाट विल बी आउटपुट, आउटपुट विल बी 12। एंड नेक्स्ट 60 इट विल चेक कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल नॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स बी। नेक्स्ट इट विल गो टू नेक्स्ट वैल्यू एंड चेक 13 इज लेस देन 50 कंडीशन इज ट्रू
then it will print value 13. तो इसका जो आउटपुट होगा होगा ए बी सी इधर ही आएगा 13, 34, 12/13. ये चीज आपको क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो था अपने कंडीशन कैसे चेक करते हैं उससे रिलेटेड। अब हम एक और ऑपरेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन उसको देखते हैं। और वो ऑपरेशन है अपना कि सीरीज ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ यदि हम मल्टीप्लीकेशन सिंबल के साथ में यदि वैल्यूज लेते हैं तो कैसे होगा। जैसे अपने पास में S13 सीरीज थी, S13 सीरीज है, और इस S13 सीरीज के साथ में यदि हम मल्टीप्लीकेशन के सिंबल के साथ यदि 2 यूज में लेते हैं तो क्या होता है। अब देखो, हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर हमने ऐसा कंडीशन अप्लाई करके देखी लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट था उस पर। तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे कि सीरीज में और लिस्ट में जब ये ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो देखो, ये दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। एक लिस्ट है A11 के नाम से, तो हम इस लिस्ट के ऊपर यदि ऑपरेशन करते हैं यहाँ 2 करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। और यदि अपने पास में सीरीज है S13 और उसके ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन करके यदि हम 2 करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। अब आपको पता ही है एस्ट्रिक सिंबल है, एस्ट्रिक का यूज किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, ये आपको पता है। यदि लिस्ट है और लिस्ट की वैल्यूज क्या है अपने पास में 1, 2, 3, 4 अपने पास में ये वैल्यूज है और ये लिस्ट है। अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ये L1 नाम से कोई लिस्ट है ना, ये L1 लिस्ट है, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं ये, तब इसका आउटपुट क्या होगा। अपने पास इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1, 2, 3, 4 और फिर 1, 2, 3, 4। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, लिस्ट के ऊपर आप यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल का यूज करके जितने लिखेंगे उतने टाइम ही ये लिस्ट को प्रिंट करवाता है। समझ में आया, लिस्ट जैसे 1, 2, 3, 4 है ना। अब लिस्ट L1 है, इसके आधार पर हमने 2 केस मान लो क्या केस ने इसने 2 टाइम इस लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। समझे इस चीज को, यदि हम 2 की जगह 3 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, 1 टाइम और इसकी वैल्यू को लिस्ट को 1 टाइम और प्रिंट करवा देगा 3 टाइम हो जाएगी। यहाँ आप 4 कर देते हो तो ये क्या करेगा, और 1, 2, 3, 4 टाइम करवा देगा। ये चीज आपके समझ में आई लिस्ट पे, ये ऑपरेशन हम कर चुके लास्ट ईयर, अभी और आपको करके बताऊंगा मैं एप्लीकेशन पे। लेकिन यदि हम लिस्ट, ये तो लिस्ट पे कर रहे हैं, और यदि हम लिस्ट पे नहीं करते हैं और यही ऑपरेशन हम सीरीज के ऊपर करते हैं तब क्या होता है वो हम करके देखते हैं। सीरीज के ऊपर करते हैं तब क्या होता है, अपने पास में सीरीज है कोई सी भी जैसे ए बी सी और डी, और इसी वैल्यू को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 ये अपने पास में सीरीज है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सीरीज के ऑब्जेक्ट एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं तब क्या आउटपुट आएगा। तब अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो ए बी सी डी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। डिफरेंस समझ में आया, जरूरी है समझना क्योंकि लास्ट ईयर के मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये बेसिक फंक्शन से कुछ एक्स्ट्रा वो भी अपने को आनी चाहिए, तो ये समझ में आना जरूरी है। लिस्ट के साथ यदि हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं और उसके बाद में जो वैल्यू देंगे हम उतना ही टाइम भी वो क्या करता है उसको प्रिंट करवा देता है, और यदि हम सीरीज के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है ये उतने टाइम उसको प्रिंट नहीं करवाता बल्कि जो सीरीज की वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को क्या करेगा वो उस वैल्यू से जो डिजिट हमने दिए उससे मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे हमने यहाँ 2 दिया, यहाँ 2 की जगह मैं 3 भी दे सकता हूँ तो ये क्या करेगा 3 1 3 और 3 2 6 3 3 9 3 4 12 ये आउट। ये चीज समझ में आ गया आपके, क्लियर है, इसको मैं एक बार आपको एप्लीकेशन पे दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगी कुछ चीज़ें। चलो एप्लीकेशन पे चलते हैं।
नहीं बनाते हैं, ऊपर से लेते हैं। ये हमने लिख दिया पाइथन, तो हम इसको लेते हैं इंपोर्ट केस थर्टीन के नाम से सीरीज बना रहे हैं। और हम लेते हैं यहाँ पे टेन, टेन हम लेते हैं यहाँ टू फोर सिक्स एट। और हम एस ये अपनी सीरीज है वैल्यूज का है टू फोर सिक्स एट। अब इसके ऊपर हम उस फंक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है। लिस्ट में मैंने बताया इतने आगे हम देंगे वैल्यू, डिजिट उतना टाइम प्रिंट करवाता है, जबकि सीरीज में क्या होता है वो हम देखते हैं। अपने लिस्ट में बना के देखेंगे हम, लिस्ट में भी मैं आपको बता दूंगा। सीरीज में देखते हैं टू फोर सिक्स एट है, तो अपना सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है एस थर्टीन, रजिस्ट्रिक का यूज किया, रजिस्ट्रिक के साथ में यदि हमने टू का यूज करेंगे तो क्या होगा देखो आप। सभी वैल्यूज का इसमें क्या कर दिया है टू से मल्टीप्लाई, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, फोर को करेंगे तो एट, एट फोर सिक्स को करेंगे तो ट्वेल्व, एट को करेंगे तो सिक्सटीन। चलो टू की जगह हम इसको चेंज करके देखते हैं, और चेंज करके हम यहाँ टू को कर देते हैं फोर, फोर से करते हैं तो आउटपुट देख सकते हो आप। टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट, फोर को करेंगे तो सिक्सटीन, सिक्स को करेंगे तो ट्वेंटी फोर, एट को करेंगे तो थर्टी टू। समझ में आ गई ये चीज क्या करेगा ये सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ। यदि आप हैशटैग सिंबल का यूज करके जो भी डिजिट लेते हो उस डिजिट से सारी वैल्यूज को क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा। और अब लिस्ट में करके बताता हूँ मैं आपको, जैसे एल वन नाम से मैंने कोई लिस्ट ली है और उस लिस्ट के अंदर यही वैल्यू ले लेते हैं हम टू कोमा फोर कोमा सिक्स कोमा एट, और हमने ये वैल्यू ले ली। और मैं क्या करता हूँ एल वन को प्रिंट करवाता हूँ, तो अपने पास देखो टू फोर सिक्स एट, ये अपनी लिस्ट बन गई। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो वाला फंक्शन, अपना सीरीज लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या है एल वन, एल वन के साथ एसटी का यूज करके मैं टू करता हूँ, ये क्या करेगा टू टाइम प्रिंट करवाएगा। आप देख सकते हो यहाँ टू फोर सिक्स एट, और इधर भी टू फोर सिक्स एट, टू टाइम प्रिंट करवा दिया इसमें। यदि आप टू की जगह करते हो एल वन, एल वन एस्ट्रिक फोर कर देता हूँ मैं, ये फोर टाइम प्रिंट करवा देगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा हूँ देखो फोर टाइम प्रिंट करवा दिया इसमें। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस चलते हैं अपने वहीं पर, और एक चीज और देख लेते हैं हम जो अपनी है सोर्टिंग के नाम से जो जानी जाती है उसको और देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सोर्टिंग देख लेते हैं फिर कल से हम डाटा फ्रेम स्टार्ट कर देंगे। चलो हम देखते हैं सोर्टिंग, सोर्टिंग कैसे करनी है अपने को। मैं इसको इमेज कर देता हूँ और अब मैं सोर्टिंग में स्टार्ट करता हूँ। चेंज कर लेते हैं अपने पेन कलर ब्लू में ले लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं सोर्टिंग ऑफ सीरीज। सीरीज की सोर्टिंग कैसे करनी है वो हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही ईजी है क्योंकि सीरीज के साथ हम जितने भी ऑपरेशन करेंगे वो किस पे करेंगे हम सीरीज ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितने भी ऑपरेशन करने हैं सब सीरीज ऑब्जेक्ट पे करने हैं, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट की सीरीज है। सीरीज की सब वैल्यूज किस में होती है सीरीज ऑब्जेक्ट में होती है, वही सीरीज है। तो हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं अपने पास में कोई सीरीज है एस फोर्टीन के नाम से कोई सीरीज है और उसका जो आउटपुट है अपने पास क्या है ए बी सी डी और वैल्यूज क्या है अपने पास थ्री नाइन एट टू।
अपने को क्या करना है, इसकी सॉर्टिंग करनी है। क्या करना है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब समझते हो, ए टू जेड या जेड टू ए। सॉर्टिंग टू टाइप्स होती है, एक होती है सॉर्टिंग असेंडिंग और एक होती है डी डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग, डी असेंडिंग, असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर जो है वो सॉर्टिंग होती है। अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है? जीरो से या ए से स्टार्ट होता है और जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर जो भी है यहाँ बी सी डी। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? लास्ट की वैल्यू से, जैसे जो सबसे बड़ी बिगेस्ट जो वैल्यू होती है उससे स्टार्ट होता है और लोएस्ट की तरफ जाता है। तो यही यहाँ पे है, दोनों चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो सॉर्टिंग के लिए अपने पास जो मॉड्यूल है वो क्या है, सॉर्टिंग का जो मॉड्यूल है अपने पास क्या है वो है पॉइंट सीरीज ऑब्जेक्ट। इसे एक्सपोर्टिंग है तो एक्सपोर्टिंग डॉट, ये कैसे करते हैं करते हैं डॉट एस ओ आर टी डॉट सॉर्ट और वैल्यूज डॉट सॉर्ट। इसके बाद क्या करना है, अपने को अंडरस्कोर लेना है, वो लेनी है वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज को अपने को सॉर्ट करना है और ये पैरेंथेसिस का यूज करना है। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट और अंडरस्कोर वैल्यूज उसके साथ। अब हमने यदि ये इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसका जो आउटपुट आएगा फिर वो क्या आउटपुट किस रूप में आएगा वो देखते हैं। अपने पास आउटपुट आएगा ए बी सी, सॉरी अपने पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा वैल्यू के आधार पर सॉर्टिंग करते ही, हाँ ए ए बी सी और डी, और यहाँ सबसे पहले आएगा टू, टू के बाद में आएगा थ्री एट और नाइन, ये सॉर्टिंग हो जाएगी। अब ऐसे ही हम ये तो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट में क्या करता है ये इस पैरेंथेसिस में आप कुछ भी नहीं दे रहे, इसको आप इनपुट रखते हो तब ये आउटपुट आएगा। अब आप इसके अंदर अगर वैल्यू देते हो पैरेंथेसिस के अंदर तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। वैल्यू कैसे, जैसे आपको असेंडिंग करवानी है तो बाय डिफॉल्ट इससे भी असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट में असेंडिंग ऑर्डर में लेता ही कुछ नहीं दोगे तो, पर अगर आप देते हो तो आपको ऐसे देना होगा एस फोर्टीन डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद में अपने को क्या करना है, वैल्यूज के बाद वैल्यूज और पैरेंथेसिस जो देंगे उसमें देना है आपको असेंडिंग, यदि आपको असेंडिंग करना है इक्वल ट्रू या फॉल्स, यदि आपको असेंडिंग करवानी है तो क्या करना है ट्रू करना है, और अगर असेंडिंग नहीं करवानी है तो किस क्या करना है अपने को फॉल्स करना है ट्रू अथवा फॉल्स। ट्रू का मतलब है असेंडिंग, ट्रू का मतलब क्या होगा कि आपको वो क्या करेगा वैल्यू वो असेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा, और यदि आप असेंडिंग को फॉल्स करते हो ट्रू की जगह फॉल्स करते हो तो वो क्या करेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो ये है कि इसका ट्री हमेशा कैपिटल में रखना है, ट्री कैसा रखना है कैपिटल में, और फॉल्स का क्या रखना है कैपिटल में। जब तक आप टी कैपिटल और फॉल्स का एक कैपिटल नहीं रखोगे तो वो एरर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप इसको टी कैपिटल करोगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो कीवर्ड हो जाएगा, तो कीवर्ड होते ही आपको समझ में आ जाएगा बुलियन वैल्यू हो जाएगी तो कि हाँ सही है। तो मैं आपको इसको एक बार उसमें करके बता देता हूँ एप्लीकेशन में, फिर अपना आज की क्लास फिनिश करेंगे। ये जो है एस फोर एस थर्टीन एस फोर्टीन दोबारा बना लेते हैं, एक सीरीज और उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा, ध्यान रखते हैं।
सीरीज क्रिएट कर लेते हैं हम, 14 के नाम से सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको करते हैं पी डी डॉट सीरीज, अभी जो वैल्यू ली थी हमने वो ही ले लेते हैं, थ्री कोमा 9 कोमा 12 कोमा 8 ये ले लेते हैं, और ये हमने इसको प्रिंट करवाया। आपके पास में सीरीज दिखाई दे रही है 3, 9, 12 और 8। हम इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट करके देखते हैं, एस 14 डॉट एस ओ आर टी डॉट सॉर्ट, सॉर्ट के बाद मैंने बताया था आपको अंडरस्कोर का यूज करना है, वैल्यूज करना है, वैल्यूज करने के बाद अपने को पैरेंथेसिस के अंदर असेंडिंग में यह दिया हुआ है, देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों का यूज में ले सकते हो आप, पहले तो हम किसी को भी यूज नहीं लेंगे बाय डिफॉल्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किस में होता है असेंडिंग ऑर्डर में, 3, 8, 9, 12 समझ में आया, 3, 8, 9, 12 बाय डिफॉल्ट में आ रहा है। इसको अब हम पैरेंथेसिस में वैल्यू देख के देखते हैं, इसमें लेते हैं ए एस सी ई एम डी आई एन असेंडिंग इक्वल टू ट्रू कर देते हैं टी आर यू ई ट्रू, आप देखो कलर चेंज हो गया ट्रू का, दिख रहा है आपको ट्रू की कीवर्ड में आ गया तो कलर चेंज हो गया, इसका मतलब अपने सही है राइट डायरेक्शन जा रहे, देखो 3, 8, 9, 12, 3, 8, 9 देख सकते हो कलर चेंज है, वो बाय डिफॉल्ट में जा रहा था है ना, क्योंकि हमने यहाँ भी सेंडिंग किया, और अब हम क्या करते हैं इसको डिसेंडिंग में करके देखते हैं, यहां करते हैं फॉल्स 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 करते हैं क्या होगा उल्टा, आप देख सकते हो बिल्कुल बिगेस्ट वैल्यू पहले आ गई 12, बिगेस्ट है तो बिगेस्ट वैल्यू 12, फिर 9 फिर 8 और फिर 3। ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सॉर्टिंग सीरीज की सॉर्टिंग कैसे करते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है अब नहीं रहनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके कॉल करके या चैटिंग के द्वारा आप उसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, लेकिन अपने को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अपने माइंड में नहीं रखनी है। ओके, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर, और सीरीज कंप्लीट हो चुका है तो सीरीज से रिलेटेड होमवर्क मैं आपको बना करके आज या कल में आपको व्हाट्सएप अपने ग्रुप पे डाल देंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके।